हेलो फ्रेंड्स, फिटनेस क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको स्क्रैम्बल्ड एग बनाना से बताऊंगा, जो कि हमारे फैट लॉस और मसल गेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको ज़्यादा लेंथी ना करते हुए मैं सीधा आपको इसकी प्रेपरेशन पे ले जाता हूँ। तो सबसे पहले ये हाफ टी स्पून है वो मैं कनोला ऑयल ले रहा हूँ। तो इसकी जो क्वान्टिटी होगी वो आप इसको ज़रूर मेज़र करके डालें, क्योंकि जो कि क्वांटिटी को आप ज़रूर मेज़र करके डालें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने कितना कैलरी इनटेक किया है और आप इसके अंदर कितनी फ़ैट ले रहे हैं। और जो कनोला ऑयल है इसके अंदर वैसे भी देखिए, मेरे पास जो कनोला ऑयल है तो इसके अंदर जो फ़ैट है वो भी अच्छे वाली फ़ैट है। देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सैचुरेटेड फ़ैट सिर्फ 7 ग्राम है और अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट ही है, जो कि एक हेल्थी फ़ैट का सोर्स माना जाता है। तो बट मैंने इसको फिर भी कम लिया है ताकि हम इसे अपने फ़ैट के कंटेंट को कम कर सकें, क्योंकि मैं अभी जो बनाने वाला हूँ वो होल एग के ही स्क्रैम बना के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ैट होती है। तो इसको अच्छी तरह से आप इसके अंदर फैला लें नॉन स्टिक की पैन के अंदर, ताकि जो आपका एग है वो कहीं से भी चिपके ना और जले ना। तो इसको आप अच्छे से पहले हीट हो जाने दीजिए। तो आप इसको एक बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कि जो आप इसको जो कुकिंग करेंगे तो इसको भी इसको आप लो फ्लेम पे ही रखिए। इसको आप मीडियम या हाई फ्लेम पे करके मत बनाइए, क्योंकि इससे जो एग है वो जल जाते हैं और उनकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं वो कम हो जाती हैं। तो आप हमेशा ट्राई करें कि जो भी आप फूड बनाएं उसको लो फ्लेम पे ही करके रखें। तो अभी ये अच्छे से ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इसके अंदर डायरेक्टली जो एग है वो मैं इसके अंदर डायरेक्टली ऐसे ही डाल दूंगा। तो ये मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। उसके बाद एक, ये दो, उसके बाद ये, जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि मैं दिन में मॉर्निंग में 3 होल एग कंज्यूम करता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये 3 होल एग का जो आज मैंने स्क्रैम्बल्ड एग बनाने आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ आप देख सकते हैं उस तरफ मैंने जो अपने साथ बॉइल्ड एग भी रखे हुए हैं उस दूसरी तरफ, तो मैं टोटल 10 एग कंज्यूम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उस तरफ मैंने जो बॉइल्ड एग रखे हुए हैं बॉइल करने के लिए, ये 7 हैं और 3 मैं इनकी जो स्क्रैम्बलिंग कर रहा हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, मैं टोटल आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं जो टोटल है वो दिन में 10 एग कंज्यूम करता हूँ, जिनको मैं मॉर्निंग में ही ऑफिस जाने से पहले इनको बॉईल करके रख देता हूँ, ताकि मेरा जो टाइम है वो भी बच सके और मैं इसको जब मेरा जो टाइम लगे मैं इसको खा सकूँ। तो दोस्तों, ये देखिए आपके जो स्क्रैम्बल्ड एग हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर इसके बनने के बाद हम इसके अंदर जो अपना जो भी आपकी जो सीजनिंग करेंगे वो डालेंगे, क्योंकि अगर इसके आप पहले इसके अंदर अगर आप सॉल्ट या फिर आप इसके अंदर कोई भी और सीजनिंग, जैसे मैं अभी इसके अंदर मेरे पास इटालियन सीजनिंग है तो वो डालूंगा, तो वो उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। अब अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो इसका टेक्सचर नहीं ख़राब होएगा और वो एक अच्छे से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो देखिए कि ये बिल्कुल ही कुछ ही मिनटों में आपका जो स्क्रैम्बल एग है वो तैयार हो चुका है। इसको ज़्यादा बनाना, इसको ज़्यादा हीट नहीं करना फ्रेंड। तो मैंने जो इसको कंटिन्यू मैं इसको लो फ्लेम पे ही बना रहा हूँ, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको टेस्ट सीजनिंग करके खाना पसंद है, तो इसके अंदर मैं जो इटालियन सीजनिंग है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि मैं इटालियन सीजनिंग यूज़ करता हूँ, तो ये मैं इसको थोड़ी सी इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सीजनिंग डाल दी और दोस्तों जो इसकी फ्रेगनेंस है वो मुझे आने शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो स्क्रैम्बल्ड एग है बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर 3 एग डाले हैं, तो आप इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको एक दिन में कितने होल एग कंज्यूम करने चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी जो डिश है वो बनके तैयार हो चुकी है और इसको सिर्फ 2 या 3 मिनट ही लगे हैं बनने के लिए। तो दोस्तों, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं अपने ऑट मील के साथ या फिर आप इसको ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर, लाइक
कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी यूज़फुल वीडियोस लाते रहें। और आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमें हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और हम हमें एक एनर्जी मिलती है कि हम आपके लिए और भी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। स्क्रैम्बल्ड एग तैयार हो चुका है, तो अभी मैं इसकी प्लेटिंग कर लेता हूँ। मैं इसको गैस को बंद कर देता हूँ और इसको भी मैं अपने प्लेटिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो डिश है वो तैयार हो चुकी है, और इसको अगर आप देखें तो इसको मुश्किल से 2 या 3 मिनट ही लगे हैं। और आपका अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप इसको ऑफिस में साथ लेके भी जा सकते हैं, और इसको कॉलेज जाते हैं तब भी आप इसको साथ लेके जा सकते हैं, और इसको बनने में कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, और आप इसको इजी से खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जो आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, जहाँ रिलेटिव है, उनको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।